नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके हैं बहुत ही कमाल का यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो कि है दोस्तों यहाँ पे वोल्टास का स्प्लिट एयर कंडीशनर एसी। आज के इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में, अनबॉक्सिंग करूँगा, रिव्यू भी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ये 5 स्टार का यहाँ पे स्प्लिट एसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, वोल्टास एसएसी 185V DZV2R410A इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इंडिया नंबर वन एसी ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 100% कॉपर यूज़ करके इसका बनाई गई है एसी दोस्तों। एसी यहाँ पे जो होती हैं दोस्तों, बेसिकली इसमें कॉपर और अल्मोनियम की दो एसी आती हैं, तो ये कॉपर एसी है। ये एसी के दो टाइप्स भी होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो एक स्प्लिट एसी होता है और दूसरा विंडो एसी होता है। तो ये दोस्तों स्प्लिट एसी है। मैं आपको ये यहाँ पे ऊपर वाला जो ये लिखा वो स्प्लिट एयर कंडीशनर, ये जो पार्ट है दोस्तों ये होता है इनडोर यूनिट, और जो नीचे वाला पार्ट है ये होता है आउटडोर यूनिट। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में दोस्तों यहाँ पे अनबॉक्सिंग और रिव्यू इसका दूंगा इस एसी का, स्प्लिट एसी का। पहले इंडोर यूनिट का आपको बताऊंगा ओपन करके बॉक्स, क्या इसमें प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता है, कैसे ये दिखता है। और ये इन्वर्टर एसी है, ध्यान में आप रख लीजिए, ये इन्वर्टर एसी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वर्टर R410A, और मैं इसका आपको प्राइस बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्राइस चेक कर सकते हैं और इस एसी को आप परचेज भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो जैट टनल तो चले दोस्तों करते हैं अनबॉक्स। ये है दोस्तों यहाँ पे इंडोर यूनिट जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसी को हम चलते करते हैं, पहले अनबॉक्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वोल्टास का सबसे पहले तो आपको लोगो मिल जाएगा, ये टाटा प्रोडक्ट जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, पावर सेविंग यहाँ पे गाइड लिखी हुई है 5 स्टार का। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसी है, यहाँ पे आप 5 स्टार रेटिंग इसकी देख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप नहीं जानते हैं कि स्टार रेटिंग क्या होती है, टन क्या होता है, सब के बारे में वीडियो मिल जाएगी, आई बटन क्लिक करके आप वीडियो पहले देख सकते हैं। यहाँ 5 स्टार रेटिंग है, यानी कि बिजली की खपत बहुत कम करेगा ये एसी, इंडोर यूनिट है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर सेविंग गाइड 5 स्टार, और यहाँ पर RAC स्प्लिट, ब्रांड नेम वोल्टास लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मॉडल ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे 5200 वाट, और कूलिंग कैपेसिटी 2600 वाट्स, और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ही दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक साल में ये दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना करेगा। ये 885.04 यूनिट, 885.04 यूनिट पर ईयर कंजप्शन करेगा ये स्प्लिट एसी साल भर में। यही दोस्तों आप इसमें 5 स्टार का खासियत, बहुत ही कम यूनिट यूज कर रहा है इतने में। 3 स्टार रेटिंग को होता तो अब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूनिट्स आपको देखने को मिल जाता। कंप्रेसर टाइप वेरिएबल स्पीड वोल्टास का यहाँ पे SAC 185V DZV2R410A मॉडल नंबर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, CBU कोड भी लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्प्लिट एयर कंडीशन लिखा हुआ है, इसको हम करते हैं अनबॉक्स। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसी के संबंध में सब कुछ आपको इस बारे में मैं जानकारी इस वीडियो में दे दे रहा हूं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, इसको हम सबसे पहले ओपन करते हैं, सील को ब्रेक करते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको हम ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंडोर यूनिट वोल्टास लिखा हुआ है। बॉक्स कंटेंट्स को हम रिमूव करते हैं जिसके प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है बेसिकली। एक एक करके हम इसके पहले प्रोटेक्शन कवर को जो लेयर, इसको सेफ्टी के लिए बेसिकली दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये क्या है, ये यहाँ पे यूज़र मैनुअल गाइड, इन्वर्टर एसी वोल्टास टाटा प्रोडक्ट, साथ ही साथ यहाँ पे रिमोट आपको मिल जाएगा, तो रिमूव करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं रिमोट इसका कैसे निकल के आता है। ये है रिमोट, देख सकते हैं आप वोल्टास का स्प्लिट एसी का रिमोट कुछ इस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं मोड, इसमें फ़ैन, वी स्विंग, एफ स्विंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्विंग, स्लीप, सेवर, टाइमर, टर्बो, लैंप, टेम्परेचर सेट, वाईफाई, ये सब लिखा हुआ है। स्क्रीन LED स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी ऑन करने पे, सेल लगाने पे। सेल भी कंपनी यहाँ पे दिया हुआ है, ज़्यादातर कंपनियाँ दोस्तों देती नहीं हैं,
इन वोल्टास ने यहाँ पे दे ही दिया है सेल को भी। ये कुछ इसके स्क्रू वगैरह हैं, ध्यान से ओपन करिए। आप भी अगर ओपन करते हैं अपनी एसी को तो ध्यान से ओपन करें, काफ़ी सारे इसमें टूल्स वगैरह रहते हैं, वो खो ना जाएं। और ये दोस्तों यहाँ पे तो दिखाते हैं निकाल के, इसके साथ है सेल और ये स्प्लिट टाइप इन्वर्टर एयर कंडीशनर। ये वोल्टास का टू फ्री सर्विस इसमें मिलेगी, कूपन इनसाइड है, ऑनर मैनुअल ये आप देख सकते हो, बाकी यूज़र मैनुअल है, इसको कोई पढ़ता नहीं। इंस्टॉलेशन वगैरह इसमें लिखा हुआ कैसे किया जाए, ये उसी के लिए बेसिकली दिया गया है। इसको सबको हम रखते हैं साइड में दोस्तों, और हम अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पे इंडोर यूनिट को बाहर निकाल लिया हुआ, अनबॉक्स कर दिया है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टास लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसका लोगो, और ये इंडोर यूनिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही स्टार रेटिंग इसमें भी बताया गया है, इन्वर्टर 410A बेसिकली जो इन्वर्टर इसी इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। साइड में भी दोस्तों यहाँ पे वोल्टास की कुछ लोगो वगैरह लगे हुआ है, इसमें वोल्टास का भी मॉडल नंबर फेस। ये सिंगल फेस पर वर्क करता है, 230 से 240 या 250 वोल्ट तक ये पावर सप्लाई इसको चाहिए। 50 हर्ट सप्लाई जो कि इंडिया में चलती है, 50 हर्ट सप्लाई वही इसको चाहिए होती है दोस्तों, सिंगल फेस ये वर्क करती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे 1.3 किलोवाट इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है चलने के लिए एक बार। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा इस पर कुछ और इस एसी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों कैपेसिटी 1.5 टन की वोल्टास एसी है, कूलिंग कैपेसिटी 5.2 किलोवाट, रेफ्रिजरेंट जो है इसका R410A R410A, कंप्रेसर रोटरी टाइप है, पावर कंजम्पशन स्टार रेटिंग 5, वोल्टेज जो रिक्वायर्ड इसको चाहिए 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, पावर कंजम्पशन जो कि पावर खपत करेगा 1.3 किलोवाट, यहाँ पे आप जान लीजिए। इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल मिल रहा है, ऑटो रीस्टार्ट इसमें जो इसको फीचर्स हैं वो आपको बता देता हूँ। रिमोट कंट्रोल मिलेगा आपको, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑटो रीस्टार्ट है, सेल्फ डिज़ाइन है, ऑटो क्लीन है दोस्तों, टाइमर इसमें आपको मिल जाएगा, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से लैस है ये एसी दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे वारंटी जो है मैन्युफैक्चर वारंटी 5 साल ऑन प्रोडक्ट की गारंटी है और 10 साल कंप्रेसर की गारंटी। फुल्ली ये कॉपर एसी है, मॉडल नंबर मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, ब्रांड वोल्टास का है, 185V DZ V2 और टाइप स्प्लिट एसी, नॉइज़ 44 dB का है डेसिबल, और कंडेंसर कॉइल कॉपर कंडेंसर इसमें लगा हुआ है, एल्युमिनियम का नहीं है, बहुत ही अच्छा एसी है दोस्तों। और टर्बो मोड इसमें आपको मिल जाएगा, मोड की बात कर लें तो स्लीप मोड, टर्बो मोड और डीह्यूमिडाइजेशन आपको मिल रहा है। और एयर एंड फिल्टर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर डस्ट फिल्टर आपको मिल जाएगा, फिल्टर फीचर्स में HD फिल्टर मिल रहा है, ऑटो एयर स्विंग मिल रही है, और स्पीड सेटिंग इस पर आपको करने का ऑप्शन मिल जाएगा इस इंडोर यूनिट में। तो ये हो गई बात दोस्तों इंडोर यूनिट की, प्राइस मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, वहाँ से जाकर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं प्राइस। मैं आपको बता देता हूँ 44,000 रुपये की एसी मुझे पड़ी हुई है, 43,990 की अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इससे जाकर वहाँ पे कुछ छूट भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से लेंगे तो आप ऑनलाइन इसको बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको आउटडोर यूनिट के बारे में कुछ बताते हैं और उसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं कि वो कैसा प्रोडक्ट निकल के आता है यहाँ पे। तो ये तो हो गई बात इंडोर यूनिट की, इसके मैंने आपको फीचर और करेक्टरिस्टिक वगैरह बता दिए हैं। इन्वर्टर एसी का मतलब ये मत समझिएगा कि इन्वर्टर से ये चलती है एसी, इन्वर्टर एसी का मतलब ये होता है कि ये दोस्तों काफ़ी कम यूनिट लेगी, और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का नाम होता है ना कि इन्वर्टर से चलने के लिए कि इन्वर्टर से ये चलेगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आउटडोर यूनिट। तो ये है दोस्तों यहाँ पे आउटडोर यूनिट, जो कि दोस्तों आपके बारजे पे या फिर आपके छत पे ये इंस्टॉल किया जाता है, इसको आउटडोर यूनिट बोलते हैं। इसको हम भी बॉक्स को रिमूव करते हैं, यहाँ पे टाटा प्रोडक्ट वोल्टास लिखा हुआ है 100% कॉपर। साइड में दोस्तों इसको कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका मॉडल नंबर देख सकते हैं, प्रोडक्ट स्प्लिट एयर कंडीशनर, मॉडल नंबर वोल्टास 185V DZ V2, CPU कोड ODU कोड, कंटेंट इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है, केबल मिलेगी, इंस्टॉलेशन एक किट मिल जाएगी आपको यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेटेड SR 4.5 लिखा हुआ है यहाँ पे, और कूलिंग कैपेसिटी 100% और 50% पे 5200 वाट और 2600 वाट तक ये कूल करेगा, पावर सप्लाई 230 50 हर्ट्ज, सिंगल फेस पे वर्क करती है एसी दोस्तों। यहाँ पे 42 किलो का इसका ग्रॉस वेट है दोस्तों इस आउटडोर यूनिट का, और इंडोर यूनिट का वेट लगभग 17 से 18 केजी तक रहता है। प्रोडक्ट डायमेंशन दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्प्लिट एसी 1.5 टन का जो है ये, यहाँ पे भी
कितने इसका मतलब डायमेंशन होना चाहिए रूम का, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ आप देख सकते हैं 87 इसकी लंबाई और ये 60 और इंटू यहाँ पे 35.5 लिखा हुआ है। प्रोडक्ट डायमेंशन दोस्तों लिखा हुआ है, विड्थ हाइट और ये यहाँ पे ओडीयू एमआरपी यहाँ पे लिखा हुआ है 41,400, लेकिन दोस्तों अभी ऑनलाइन ये एसी परचेज मैंने की दोस्तों यहाँ पे आप इसका 43,990 लगभग 44,000 की सी पड़ी हुई है। ग्रोस यूनिट यहाँ पे 68,990 जो कि यहाँ पे है नहीं, मार्च 2019 की ये मैन्युफैक्चर्ड एसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टर एसी है ये वोल्टास की। तो ये है दोस्तों आउटडोर यूनिट। अब चलते हैं करते हैं इसके बॉक्स को हम रिमूव और दिखाते हैं क्या क्या इसमें प्रोडक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स को हमने ओपन कर दिया है तो कुछ इस तरीके का ये आउटडोर यूनिट निकल के आता है। इस तरीके से ये यहाँ पे लुक इसका निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा वोल्टास टाटा प्रोडक्ट। इन्वर्टर 410 यानी कि इन्वर्टर एसी है, 5-स्टार रेटिंग और यहाँ पे पाइप आपको मिल जाएगी। ये इंस्टॉलेशन पाइप इंस्टॉल करते वक्त ये पाइप जरूर हो पड़ता है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर एक यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इसको कवर दिया गया है, इसको हम रिमूव करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इसमें ध्यान से इसको देखना होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्क्रू वगैरह दिए जाते हैं, ये सब इंस्टॉलेशन के टाइम पे काम में आते हैं। इसको यहाँ पे जब इलेक्ट्रिशियन आएगा इंस्टॉल करने के लिए तो यहाँ पे उसको ये ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये कुछ निकल के आ रहा है दोस्तों आउटडोर यूनिट की हम बात कर लें अगर, तो जो कि छत पे और या बारजे में कहीं भी आप इसको लगवा सकते हैं। साइड में भी दोस्तों यहाँ पे ये पाइप दी गई है, इस पाइप को हम हटा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दो पाइप इसमें दी जाती हैं दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक ये पाइप है एक ये पाइप, दो इसमें पाइप आपको मिल जाएंगी। इसका यूज होता है दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए ये आउटडोर यूनिट को इंडोर यूनिट से। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आउटडोर यूनिट निकल के आता है। ये दोस्तों यहाँ पे फैन लगा हुआ है साइड में, साइड की बात कर लें दोस्तों। दोस्तों मैं आपको पूरा यहाँ पे पॉलीथीन रिमूव नहीं कर सकता हूँ, ना ही पूरा इसके ये वायर वगैरह दिया गया है, ये भी मैं आपको अभी निकाल देता हूँ। निकाल के आपको पॉलीथीन पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये है वोल्टास का स्प्लिट एयर कंडीशनर, काफ़ी अच्छा लुक वाइट कलर में है दोस्तों निकल के आ रहा है। साइड में दोस्तों ये वायर दिया गया है, इंस्टॉलेशन के टाइम में काम आएगा। इसको हम ऊपर रख देते हैं। अब इसमें वार्निंग वगैरह कुछ लिखी हुई है, आपको दिखा दूं। यहाँ पे वोल्टास आउटडोर यूनिट इसका नाम, वो इसमें मॉडल नंबर जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सीबी कोड ओडीयू पावर सप्लाई सिंगल फेज 230 50 हर्ज 100% कूलिंग, हाफ कूलिंग पे कितना इनपुट पावर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों 1345 वाट और 5-स्टार रेटिंग का है। इसमें वार्निंग क्या लिखी हुई, यूनिट में जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसी गैस भरी हो तो यूनिट ना चलाएं, इससे कंप्रेसर यूनिट फट सकता है। ओडीयू मतलब आउटडोर यूनिट, आईडीयू मतलब इंडोर यूनिट। वोल्टास मॉडल नंबर इसमें लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर विथ अस टू अवेल योर फ्री वारंटी सर्विस, ये नंबर वगैरह दिया गया है। तो इस तरीके से साइड में कुछ इस, और इस साइड में दोस्तों आप देख सकते हो इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। ये इंस्टॉलेशन के टाइम में इसको रिमूव करना होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उस ये होता है इस तरीके से, ये पीछे का लुक है आउटडोर यूनिट का आप देख सकते हो। मैंने आपको सब कुछ एसी के बारे में, स्प्लिट एसी के बारे में बता दिया है। ये दोस्तों इनटेक या आउटटेक यहाँ पे दो पाइपें जो अभी मैंने आपको दिखाई, वो एक तो इसमें लगती है दूसरी इसमें लगाई जाती है इस आउटडोर यूनिट में, जो कि आप छत पे या फिर आपके यहाँ पे बारजे वगैरह में इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका लुक निकल के आता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे अब ये क्या क्या इसमें प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। मैं आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में दिखा दूंगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं इस स्प्लिट एसी को, जब इलेक्ट्रिशियन हमारे घर पे विजिट करेगा इसको इंस्टॉल करेगा। तो इंस्टॉलेशन फ़ीस दोस्तों 600 रुपये तो लगती ही लगती है, उसके साथ में जितना वायर वगैरह लगता है जो भी और चीज़ें लगती हैं वो आपको अलग से चार्जेस लगते हैं, उतना देना पड़ता है। मान के चलिए आपको
1200 से 1300 रुपये आपका इंस्टॉलेशन फ़ीस लगती ही लगती है। साथ में दोस्तों आप स्टेबलाइजर भी लगवा सकते हैं इसके, अगर आपके घर में स्टेबलाइजर नहीं लगा हुआ है, यानी कि आपको कांस्टेंट इसको वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है इस एसी को, तो वी गार्ड का आप स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगवा सकते हैं जिसकी कीमत 1600 रुपये होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा एसी का और स्टेबलाइजर का, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं दोनों को। और आपको मैंने कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं इंस्टाग्राम पर @TechnicalAlokji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करके कुछ भी आप पूछ सकते हो, कोई सुझाव हो, कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो इस एसी के बारे में तो आप मुझे कमेंट सकते हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका जरूर वहां पे आंसर दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रख लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।